गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ ज्योति सरस्वत, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप यू गाइज हैव कम्प्लीट देयर होमवर्क और असाइनमेंट। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2, चैप्टर 3, क्वेश्चन नंबर 1। यू नो वेरी वेल वॉट इज इंटीजर, समझा चुके हैं बेटा इंटीजर क्या है आपके, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड इट, ओके। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है बेटा -3 प्लस, क्या करें हम लोग जिससे कि प्लस का 12, ये ध्यान रखना, जब प्लस का 12 आएगा बेटा तो क्या आएगा यहाँ नंबर आपका, वो आएगा आपका 15। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि 15 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा 12। ध्यान रखना एक चीज़, नोट कर लो आपके कॉर्नर में अपनी नोटबुक्स में, जब भी हम माइनस प्लस करते हैं तो क्या करेंगे हम, माइनस। दो साइन होते हैं, दो डिजिट है हमारे, एक माइनस की और एक प्लस की, क्या करेंगे हम उसे, नेगेटिव। साइन भी हम किसका लगाएंगे, साइन हम लगाएंगे जो नंबर आपकी डिजिट बड़ी होगी, अगर प्लस की डिजिट बड़ी है तो प्लस का साइन, और अगर नेगेटिव मतलब नेगेटिव की डिजिट बड़ी है तो नेगेटिव का साइन। समझ में आ गया। यहाँ ये प्लस वाले केस में चल रहा है बेटा, प्लस और मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में। अब भी मल्टीप्लिकेशन का आपको समझा दूंगी कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, पहले हम लोग यहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का समझ लेते हैं बेटा। प्लस माइनस, माइनस करेंगे, साइन वही लगाएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो डिजिट बड़ी होगी। इन केस आपके दोनों नंबर प्लस के होंगे तो हमें प्लस ही करना है, साइन तो प्लस का ही आएगा क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो प्लस है तो प्लस का ही साइन आएगा बेटा। माइनस माइनस दोनों डिजिट होंगी, दो डिजिट है दोनों माइनस की होंगी, तो आप माइनस नहीं करोगे, क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। और एक नंबर प्लस, पहला नंबर जैसे यहाँ नेगेटिव है, यहाँ आपका प्लस है, दूसरा नंबर नेगेटिव तो यहाँ माइनस, डन। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब साइन इनमें वही नंबर लगेंगे जिनकी डिजिट बड़ी होंगी। इन केस यही आपका मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम हो जाए कि एक आपकी माइनस की और प्लस की डिजिट हो, तो आपको मल्टीप्लाई करते समय माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस, प्लस 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 का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, और होगा उन डिजिट्स में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट। ओके, 15 हो गया बेटा। अब यहाँ आपको चाहिए माइनस का 12, इट मीन्स माइनस का 2 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तभी तो 10 में 2 प्लस हुआ 12 आया। फिर माइनस 15 में से क्या करेंगे, प्लस के 15 को, तभी तो 0 आएगा। नेक्स्ट आपका 45 कैसे आएगा, जब 16 में हम 45 में से 16 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, 16 में हम क्या प्लस करेंगे, 45 आ जाए, तो 45 में से हम 16 को लेस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 15 में से 6 गया, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, इट मीन्स 29 आ गया बेटा, 29 प्लस 16 45, डन डन, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बाकी के इसके पार्ट्स हम लोग होमवर्क में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका बेटा फाइंड द सम, सम करने हैं, वही चीज़ जो मैं अभी आपको समझा रही थी बेटा कि सम कैसे करने हैं, ठीक है। सम आपसे कह रहा है बेटा, पहला नंबर है 5, 6, 7 एंड सेकेंड नंबर है आपका माइनस का 8, 9, 7, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, ठीक है। अब किस में से किसे माइनस करेंगे बेटा, बड़ी में से छोटी माइनस होगी ना, तो आपका क्या होगा, 8, 9, 7 में से माइनस कर दो 5, 6, 7 को, आप लिखोगे बेटा इस तरीके से, इसे माइनस का 8, 9, 7 प्लस 5, 6, 7, रफली आप लोग सॉल्व करोगे इसे, 8, 9, 7 में से माइनस करोगे 5, 6, 7 को, 7 में से 7 गया 0, 8, 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, इट मीन्स कितना आ गया बेटा, 330। किसका आएगा, वो नेगेटिव का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव की डिजिट हमारी बड़ी है। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से करने इन क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका ई वाला देख लेते हैं बेटा, इसमें
सेकंड का ई, एक है 200, दूसरी डिजिट आपकी माइनस का 56, तीसरी डिजिट आपकी माइनस की 240। अब आप पहले इन दोनों डिजिट्स को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव मतलब माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 200 में से हम लोग क्या कर रहे हैं 56 को माइनस कर देते हैं बेटा। 10 में से 6 गया 4 एंड नेक्स्ट 9 में से 5 गया एंड 4 1। ओके रीचेक कर लीजिए, 4 प्लस 6 10, 1 5 5 10, 1 कैरी 2, इट मीन्स 144। अब आप कहोगे ये मैम नेगेटिव क्यों नहीं लिया साइन, आपने माइनस का क्यों नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि ये नंबर आपका इन दोनों में से कौन सा नंबर पड़ा है, 200 ना, तो 200 इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, सो वन पॉजिटिव का साइन आएगा इधर 144। नेक्स्ट आपका है माइनस का 240, फिर प्लस माइनस माइनस ही करना है बेटा। अब 240 में से 140 को माइनस करना है, 240 में से 144 को, 10 में से 4 गया 6, नेक्स्ट 13 में से 4 गया 9, इधर बेटा कैरी चला गया 0, 96, चेक इट कर लो, 4 प्लस 6 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 14 का 1 कैरी, इट मीन्स आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आया बेटा 96। बट ये 96 किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का 240 हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा 144 से, समझ में आ गया। बाकी के हम क्वेश्चंस करते हैं होमवर्क, डन।